मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, त्रिवेणी संगम के तट पर बसे इलाहाबाद शहर में आना और यहाँ स्थापित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के लिए मेरे लिए खुशी की बात है। जब मुझे संस्थान के निदेशक जी ने बताया कि दिस इज द 14th कन्वोकेशन, तो उनको मैंने कहा कि दिस हैपेंस टू बी ए कोइंसिडेंस दैट आई आल्सो हैपेंस टू बी द 14th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और जैसा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने बताया, तीन कार्यक्रमों का पिछले 5 दिसंबर से लेकर के आज तक के हम दोनों साथ साथ ये संगम की जो एक प्रेरणा है ये उसको परिलक्षित करती है। एक वही संगम की प्रेरणा जो कि 14वां आपका कन्वोकेशन है और मैं भी सहयोग से मुझे जो दायित्व मिला है वो भी 14वां है, तो ये भी एक संगम। और तीसरा संगम वो कि जब हम इलाहाबाद को संगम के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद का कुंभ मेला प्राचीन काल से ही आकर्षण और अध्ययन का विषय रहा है। पिछले सप्ताह यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी है। अब कुंभ मेला औपचारिक रूप से पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बन गया है, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस बात का उल्लेख राज्यपाल महोदय ने किया, प्रतिशत की दृष्टि से 49% और 51%, ये तो यहाँ पर 2% में बच्चियाँ हमारी पीछे रह गई, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी कन्वोकेशंस मैंने अटेंड किए, वो चाहे मेरे बिहार का जब मैं राज्यपाल था वहाँ पर, या जब अभी राष्ट्रपति के रूप में, सभी में मैंने देखा कि हमारी बेटियां जो हैं वो बेटों से आगे बढ़ रही हैं। और ये एक मुझे लगता है कि विकसित भारत के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि बिना आरक्षण के केवल उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अर्थात उनमें प्रतिभा है आगे बढ़ने की, उस प्रतिभा के लिए उनको अवसर चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि सन 2007 से संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। यहां से निकले प्रतिभाशाली विद्यार्थी पूरे देश और विश्व में अपना प्रभावशाली योगदान दे रहे हैं। अब इस संस्थान को विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की पंक्ति में
शामिल कराने का लक्ष्य होना चाहिए। इलाहाबाद स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अनेक अवसरों पर आनंद भवन एवं स्वराज भवन से राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां संचालित की गई। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने इस शहर को एक अलग तरह का तीर्थ बना दिया। आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय या इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं वहां गया था, मेरे हृदय में भारत के उस वीर सपूत के लिए जो भावना थी उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस इलाहाबाद शहर में महान प्रतिभाओं का एक कुंभ मेला लगता रहा। एक तरफ प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी और हरबंस राय बच्चन जैसे साहित्यकार यहाँ से अपनी रचनाओं की धारा बहा रहे थे, तो दूसरी ओर मेघनाथ साहा, के बनर्जी, नील रतनधर, गोरख प्रसाद और हरीश चंद्र जैसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ यहीं से अपने ज्ञान की रोशनी फैला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रखर लोगों ने देश के राजनीतिक चिंतन को अपने विचारों से समृद्ध किया। इस शहर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, विद्वानों, विचारकों, राजनेताओं, साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों की एक विशाल नामावली है, जिसमें से मैंने कुछ के ही नाम लिए। इस शहर की सबसे प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम पर सरस्वती अदृश्य बहती है। ऐसा लगता है कि इस शहर के सम्मानित शिक्षण संस्थानों और विद्वानों के रूप में सरस्वती साकार होकर अपने पूरे प्रवाह के साथ यहाँ सदैव बहती रहती है। इस प्रवाह को और भी मजबूत बनाना है। शिक्षा के केंद्र के रूप में इलाहाबाद के गौरव को बढ़ाना इस शहर से लगाव रखने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमारी शिक्षा ही हमारे राज्य देश की मजबूत आधारशिला है। सच्ची शिक्षा के द्वारा बौद्धिकता और कुशलता के साथ साथ नैतिकता और चरित्र का निर्माण ही हमें समाज और देश के प्रति अपने दायित्व के लिए जागरूक बनाता है। सही मायने में यही राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का वास्तविक योगदान है। किसी भी शिक्षण संस्थान की बुनियाद उसके शिक्षक और छात्र होते हैं। मुझे प्राचीन भारत के दो महान शिक्षण संस्थानों नालंदा और तक्षशिला की याद आती है, जहां अनेक देशों के विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते। आज तक के महानतम शिक्षकों में से एक, अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ के प्रणेता चाणक्य पहले तक्षशिला में विद्यार्थी थे और बाद में वहीं शिक्षक भी बने। अपने शिष्य चंद्रगुप्त को साथ लेकर उन्होंने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऐसे विशाल साम्राज्य के महामात्र चाणक्य के साथ एक यात्री की मुलाकात के कई विवरण मिलते हैं। चाणक्य से मिलने आया वो यात्री उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। इसी दौरान सम्राट चंद्रगुप्त उनसे मिलने आए और दोनों के बीच राजकाज की चर्चा हुई। एक प्रसंग है जिसको मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, उसकी उपयोगिता है इन बच्चों के लिए। ये हमारे देश के भविष्य हैं, देश के राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये प्रसंग यदि मैं साझा करूं तो अधिक उपयोगी होगा। और इस दौरान सम्राट चंद्रगुप्त उनसे मिलने आए और दोनों के बीच राजकाज की चर्चा शुरू हुई। चाणक्य ने जलते हुए दीपक को बुझाकर एक दूसरा दीपक जला दिया। चंद्रगुप्त के जाने के बाद चाणक्य ने वो दीपक बुझाकर फिर से पहले वाला दीपक जलाया। उस यात्री ने कौतूहलवश दो दीपकों का उपयोग करने की वजह पूछी।
चाणक्य ने समझाया कि जिस दीपक में राजकोष के पैसे से तेल भरा जाता है उसका उपयोग वे केवल राजकाज के समय करते हैं, बाकी समय वे अपने पैसे से खरीदे हुए तेल वाला दीपक ही जलाते हैं। उस यात्री ने कहा कि जिस देश में नैतिकता की जड़ें इतनी मजबूत हों उस देश का विश्व गुरु होना स्वाभाविक है। प्रायः महान चरित्रों के बारे में इतिहास की वदंतियां और कल्पना का मिश्रण हो जाता है, लेकिन सही सार तथ्य का ही लोग विभिन्न तरीके से वर्णन करते हैं। चाणक्य की सादगी, नैतिकता और संकल्प की दृढ़ता और राष्ट्र प्रेम ने उन्हें एक महान शिक्षक और उससे भी महान अमात्य बनाया। इन आदर्शों को अपनाकर हम सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकते हैं। आज के समय में मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण हर भारतवासी को प्रेरणा देता है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज की युवा पीढ़ी डॉक्टर कलाम को एक आइकन के रूप में सम्मान देती है। डॉक्टर कलाम एक अत्यंत साधारण परिवार से थे। वे रोज 20 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। छात्र जीवन के दौरान ही घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए उन्होंने अखबार बेचने का काम भी किया, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो अंत में मिसाइल मैन के रूप में विख्यात हुए। मिसाइल टेक्नोलॉजी के जानकारों की विकसित देशों में बहुत मांग रहती है। छात्र जीवन से ही अपनी प्रतिभा के लिए सम्मानित डॉक्टर कलाम किसी भी विकसित देश में एक सुविधापूर्ण और सफल जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। यहाँ के छात्रों के लिए एक और आदर्श उदाहरण मेट्रोमैन श्रीधरन जी का है। एक युवा इंजीनियर के रूप में ही उन्होंने समुद्री तूफान में ध्वस्त हो गए 2 किलोमीटर से भी लंबे पुल को बहुत ही कम समय में पूरी तरह से ठीक करके लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। कोंकण रेलवे के निर्माण को रेलवे इंजीनियरिंग के जनक समझे जाने वाले अंग्रेजों ने भी तकनीकी चुनौतियों की वजह से छोड़ दिया था। श्रीधरन जी ने उसे भी संभव कर दिखाया तथा इनोवेशन की कई मिसालें प्रस्तुत की। श्रीधरन जी के नेतृत्व में बनाई गई दिल्ली मेट्रो की सफलता आज पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। साथ ही उन्होंने मेट्रो एक्सपर्ट्स की एक ऐसी जमात खड़ी कर दी है जिसे पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता है। आज मेट्रो के निर्माण के लिए पूरी कुशलता देश में ही उपलब्ध है। जब आप इन 2-3 उदाहरणों को मैंने जो अपने होनहार बच्चों से शेयर किया है उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, आप जहां कहीं भी रहें, जो कुछ भी करें, जो भी दायित्व संभालें, केवल 2-3 बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप दायित्व संभालने की तुलना में एक साधारण दायित्व संभालने वाला, यदि एक मैं अध्यापक का उदाहरण दूं, एक अध्यापक जब वो शिक्षक के बतौर काम करता है, शिक्षा देता है, उसको तनख्वाह मिलती है, घर जाता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है और उसकी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन एक दूसरा शिक्षक उसकी तुलना में यदि वो ये सोच समझ करके अपनी जिम्मेदारी को प्रामाणिकता, ईमानदारी और निष्ठा इस बोध के साथ ये हमेशा करता रहे कि जो मैं दायित्व निभा रहा हूँ ये दायित्व राष्ट्र हित के निमित्त है, ये राष्ट्र हित का जो बोध है यदि आप हर दायित्व के साथ जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप उस श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जिसको हम राष्ट्र निर्माता की श्रेणी कहते हैं, और वही मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं।
ये थोड़ा काम कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है, और जब आप इस रास्ते पर चल देंगे तो मुझे लगता है ये काम भी सबको आसान हो जाएगा, सबको आसान हो जाएगा और आपको भी आसान होगा। तकनीकी संस्थानों में मुख्य पाठ्यक्रम के साथ साथ यदि नॉन टेक्निकल विषयों के अध्ययन का भी अवसर मिलता है तो मुझे लगता है वो और भी अधिक उपयोगी होगा। और मैं चाहूँगा यद्यपि यहाँ बैठे हुए हैं सभी मंच पर वो ये कहेंगे कि राष्ट्रपति जी ये तो आपके हाथ में है, लेकिन मैं सबको एक विनम्र निवेदन के साथ कि तकनीकी के ज्ञान के साथ साथ जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता और राष्ट्रीय बोध का एक ज्ञान देना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आवश्यक है। मात्र तकनीक बन जाना, मात्र मिसाइल मैन बन जाना या मात्र और कुछ बन जाना, लेकिन उसके साथ में यदि देश की चिंता नहीं रही, यदि जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया, तो फिर जो कुछ देश से मिला है, जहाँ तक मिला है, आज जो भी है, मैं हूँ, आप हैं, जो भी हैं, इसमें सोसाइटी का है योगदान है, एंड वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी इन व्हाट एवर वे वी थिंक इट प्रॉपर। अब मैं अपनी योग्यता पर एक और उदाहरण शेयर करना चाहूँगा, अलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। अपनी योग्यता पर विश्वास रखने और हर परिस्थिति में संघर्ष करते रहने के महत्व को समझाने के लिए एक और मशहूर शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा, और वो शख्सियत है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक कंपनी में बहुत अच्छे वेतन पर काम कर रहे, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा का बोध था, वे अपनी प्रतिभा को सामने लाना चाहते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उनके संघर्ष का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर का काम पाने के लिए ऑडिशन दिया, उन्हें नहीं चुना गया। वे फिल्म उद्योग में काम करने के लिए मुंबई गए, उनकी शुरू की 7 फिल्में असफल रहीं। कुछ लोगों ने उनकी असफलता और उनकी असामान्य कद काठी का उपहास भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा पर विश्वास नहीं खोया। उसके बाद उन्होंने सफलता की अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की। बाद में यद्यपि उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन अपनी प्रतिभा पर अधिक विश्वास, अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने फिर से सफलता के नए शिखर हासिल किए। आप सभी अपनी प्रतिभा और ज्ञान को सामान्य जीवन के साथ जोड़कर देखेंगे तो एक संतुलित और उपयोगी तरीके से अपना विकास कर सकेंगे तथा समाज को भी उसका अपना योगदान दे सकेंगे। इस संस्थान को भी यहाँ के परिवेश से जुड़ी समस्याओं के व्यवहारिक समाधान निकालने में प्रयास करने चाहिए। नमामि गंगे के राष्ट्रीय अभियान के साथ आप अपने तकनीकी समाधानों और सुझावों के जरिए जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार इस इलाके में प्रदूषण की समस्या के और गंभीर होने से पहले ही आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नवीनतम सुविधाओं को सस्ता और जन सुलभ बनाने के लिए आप इनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर माघ मेला आयोजित होता है, अस्थायी तौर पर एक पूरा शहर बसाया जाता है। आपका यह संस्थान माघ मेले का आयोजन करने में तकनीकी और व्यवहारिक सहयोग प्रदान करने के इनोवेटिव अवसरों का उपयोग कर सकता है। मुझे खुशी है कि इस संस्थान ने एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य जॉब सीकर्स नहीं अपितु जॉब क्रिएटर्स को प्रोत्साहन देना है। आज आपको औपचारिक शिक्षा की एक सीढ़ी चढ़ने के बाद उपाधि प्राप्त हुई है। अब आप व्यवहारिक जीवन के अपने लक्ष्य तय करेंगे। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ आगे बढ़ें। स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ आप समाज के उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं जो आपसे पीछे छूट गए।
मैं आज सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उन विद्यार्थियों की विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और निष्ठा के फलस्वरूप आज पदक प्राप्त किए। साथ ही मैं उन शिक्षकों की भी सराहना करता हूं जिनके मार्गदर्शन के बिना आप सबका यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। मैं आप सबके उज्ज्वल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।